भजन संगीत 15:105 हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है सियोन के निवासी, सियोन के निवासी। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनाता है, निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो ईश्वर के डरवाइयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। ईश्वर इस वचन पर आशीष हो। इस सुंदर वचन के साथ मैं आप सबों को आज के इस वेस्पर मीटिंग में सबको स्वागत करती हूँ और ईश्वर को धन्यवाद हो कि हम लोग सुरक्षित हैं और यहाँ पर उनकी स्तुति आराधना करने के लिए आए हैं। इस सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गाएंगे गीत नंबर 33 नंबर, आ देर न करके यीशु के पास। अगर खुलना हो तो हम लोग खड़े हो जाएंगे। आ देर न करके यीशु के पास, अब उसकी बात पर कर तू विश्वास। हवा करता बीच में निवास, प्रीति से कहता खुशी खुशी तब करेंगे पाप से जब छुटकारा पावेंगे और तेरे साथ हम नित रहेंगे। स्वर्गीय स्थानों में लड़ के भी आवे सुन उसकी बात, दानु से होवे हर दिनों रात। यीशु को माने सब देश और जात, आदर न करके खुशी खुशी तब करेंगे पाप से जब छुटकारा पावेंगे और तेरे साथ हम नित रहेंगे। स्वर्गीय स्थानों में यीशु को बीच में आपे जान, सुन उसकी बात मान से मान, प्रेम सेवा बोलता दे अपना खान। आ मेरे लड़के खुशी खुशी तब करेंगे प्यास से जान करेंगे और तेरे साथ नित रहेंगे। स्वर्गीय स्थानों में आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे महान स्वर्गीय पिता, हम फिर से आपके चरणों पे आते हैं और विशेषकर इस वक्त आपने हम सबों को आपके भवन में आने के लिए सहायता मदद की। बारिश होने के बावजूद भी हम लोग आए हैं पिता आपकी स्तुति आराधना आपको धन्यवाद देने के लिए।
हम पापी हैं पिता, आपके सामने आने के लिए लायक योग्य तो नहीं है, पर आपके असीम कृपा प्रेम दया अनुग्रह हुआ कि हम लोग इस दिन को देख सकते हैं और यहाँ पर एकत्रित होकर आपकी स्तुति आराधना कर सकते हैं। अभी हम जितने आए हैं पिता, हम सबों के साथ हो, और जो बैठकर सुनेंगे पिता, उन सबों के साथ हो, उनके मन अंतकरण को खोल दीजिए और समझ बुद्धि प्रदान करें, ताकि जो भी वचन मैं पेश करने वाली हूँ हम ऐसा पेश करें जो वचन सुनने में अच्छा हो और हम आशीषित होकर यहाँ से विदा होकर जा सकते हैं। विशेषकर मेरे साथ हो, और आपको पितरात्मा का अगुवाई चाहिए, आप हमारे बीच में आइए और मुझे भी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करके मुझे सहायता मदद करता कि मैं जो कुछ भी बोलने वाले पिता सब कुछ आपकी ओर से होने पाए। हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं जो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए पिता, बारिश के कारण और अन्य कारण होंगे, उन सबन के साथ हो, उनके परिवार के साथ हो, अगर कोई बीमार दुख में है आप उनकी सुधि लें। और प्रार्थना करते हैं हम जितने आए हम सबों के साथ हो, और हम हमारे हर पाप गुनाहों को आपके सामने मान लेते हैं पिता, जो भी हमने आपके विरोध में या दूसरों के विरोध में किया है पिता, सबको आपके सामने मान लेते हैं, और हम जानते जब हम मान लेते हैं तो आप हमें क्षमा कर देते हैं। इस वक्त आप हमारे बीच में आइए ताकि हम जो कुछ भी वचन सुनेंगे सीखेंगे सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए। फिर से हम इस समय के लिए मौका के लिए धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को मसीह के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर, आमीन। हम लोग पहले बाइबल पढ़ेंगे निर्गमन जेनेस एक्सोडस निर्गमन अध्याय 2 का 21। ये जो मैं कहानी बताऊंगी कहानी से मिलता जुलता है, इसलिए कहानी बताने से पहले इसको पढ़ने चाहती हूँ। यहाँ पर मूसा का मिगान देश में भागना 2:21 यहाँ कहता है, और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हुआ, उसने उससे अपनी बेटी सिपोरा का विवाह कर दिया। हाँ, निर्गमन 2:21 का, तो ये विशेषकर इस कहानी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इस वचन को पढ़ी। मेरा कहानी का शिक्षक है आज मूसा और उसकी पत्नी के बारे में, मूसा के बारे तो नहीं है, उनका पत्नी सिपोरा के बारे में। सिपोरा एक कूशी स्त्री, इससे पहले भी मैं कुछ बताई थी इनके बारे में, आज फिर सिपोरा के बारे बता रही हूँ। सिपोरा जो मूसा का पत्नी थी, एक कूशी स्त्री, कूशी मतलब ये जाति का नाम है। सिपोरा एक कूशी स्त्री थी, कूश हाम का बेटा था, इसलिए कूश से उनको कूशी औरत बोला गया है। कूश हाम का बेटा था और हाम हम लोग जानते हैं नूह का बेटा था। सिपोरा के खानदान के बारे में बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अगर हम लोग ध्यान दें तो हम पाते हैं कि वो मिघान देश की थी और उसको मिघान कहा जाता है कि वो इब्राहिम का बेटा था, और ये बेटा सारा से नहीं जन्म हुआ था, सारा से तो सिर्फ हम लोग इसहाक जन्मा, लेकिन सारा का जब मृत्यु हो जाती है तब इब्राहिम फिर शादी करता है, और उनकी पत्नी का नाम था केतुरा, और ये मिघान जो था केतुरा से जन्मा था।
और ये सारा की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी थी। ये कहानी उत्पत्ति 25 में मिलता है, इसलिए सिपोरा इब्राहिम के खानदान से आती है, उसके खानदान की कही जाती है बाइबल में। और इसमें कहा जाता है कि बाइबल में उसका कोई भूमिका नहीं है सिपोरा का, उसकी भूमिका के लिए विषय में बहुत कम चर्चा की गई है बाइबल में, लेकिन कहा जाता है कि वो सबसे अधिक महत्व नहीं दिया गया, लेकिन ये मूसा जो था पृथ्वी का सबसे दीन मनुष्य था। दीन मतलब बहुत नम्र आदमी, जो इसराइलियों को अगुवाई किया और नहीं करने चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको समझाया बुझाया और बोला मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं जो कुछ भी करूँगा सब कुछ मेरे अगुवाई में करोगे बोल करके। तो मूसा तैयार हो जाता है वो काम करने के लिए। तो यहाँ कहा जाता है कि सिपोरा का उसका भूमिका का विषय में बाइबल में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन जो अधिक महत्व है वह सबसे दीन मनुष्य का पत्नी थी, ये जानी जाती है। और इब्री नहीं थी वो, इब्री नहीं थी वो, कुशी थी। और कुशी होने के कारण फिर भी वह अपने पिता के परिवार के संग स्वर्ग के परमेश्वर का पूरा उपासना आराधना कर दी थी। और कहा जाता है कि सिपोरा का रंग काला था। हम लोग जानते हैं अभी हमारे देश में भी काला गोरा को बहुत डिफरेंस किया जाता है, लेकिन हम लोग सबको ईश्वर के बनाए हुए हैं, ईश्वर ने हम सबों को बनाया है, रंग को देखने से क्या होगा। ये तो यहाँ पर विशेषकर और एक इब्री की तरह नहीं लगती थी, काली थी और इब्री की तरह नहीं लगती थी, क्योंकि वो कुसी थी। और कहा जाता है कि उसका चरित्र जो था वो डरपोक और शांत स्वभाव की थी, डरपोक और शांत स्वभाव की थी, और कोमल, बहुत कोमल। कोमल का मतलब होता है नम्र, नो, बहुत कोमल थी और स्नेहपूर्ण थी। उसका स्वभाव डरपोक, शांत स्वभाव और कोमल और स्नेहपूर्वक थी, और दुख को देख के बहुत घबरा जाती थी। हम लोग भी कभी कभी दुख, अभी लॉकडाउन हुआ था, वायरस आया बोल के हम लोग कितना घबरा गए थे, तो ये भी दुख को देख के बहुत घबरा जाती थी और उसको देख नहीं सकती थी। इसी कारण से क्या हुआ, उसने मूसा को बोला कि उनका बेटा को खतरा करने के लिए, क्योंकि वो खून देख करके सहन नहीं कर सकती थी। हम लोग भी बहुत है खून नहीं देख सकते, थोड़ा सा भी अगर कुछ टेस्ट हुआ तो वो खून देख करके भी कभी कभी हम लोग घबरा जाते हैं। तो सिपोरा एक घबराने वाली थी और उसने अपने मूसा को अपने बेटे को खतना करने के लिए कहा, क्योंकि वो लोहू का दृश्य है, लोहू को नहीं देख सकती है और सहन भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसका किसी किसी का होता है वैसे, हम लोग खून को नहीं देख सकते हैं, तो ऐसा थी, वो देख नहीं सकती थी। उसके बाद यहाँ पर मरियम और सिपोरा के बारे में कहा जाता है। मरियम तो सबसे बड़ी थी और मूसा की दीदी थी, तो मरियम जो मूसा की दीदी थी, सिपोरा के इब्री होने का उसको पसंद नहीं था, उसको पसंद नहीं था, लेकिन क्या करेगी, पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो चाहती थी कि मूसा एक इब्री स्त्री से शादी करे। लेकिन क्या अपने मन मन में सिर्फ सोची और परिवार में किसी को ना मूसा को बता पाई ना और किसी को बताई, और ऐसा करके वो परिवार के एकता को बनाए रखी, क्योंकि शायद अगर वो बोलती, मूसा को बोलती अपना भाई को कि ये काली है, ऐसा है, इब्री नहीं है, इसको शादी मत करो, तो घर में कुछ अशांति हो जाता। इसलिए उसने कुछ नहीं बताई, ना सिपोरा को कुछ बोली ना मूसा को कुछ बोली, ये सब अपने भावना को प्रकट नहीं कर पाई, अपने मन में रखी और परिवार का एकता बनाए रखी और अपने हृदय में हमेशा मूसा को उसने साथ दिया, हमेशा इजराइलों के अगुवाई करने के लिए जो भी कोई बड़ी थी
मूसा छोटा था, भाई था, लेकिन उसने हमेशा मूसा के साथ हमेशा सहायता मदद की, अगुवाई की। और यहाँ कहा जाता है कि खासकर जब इजराइलियों को कनान देश जाने के लिए, तो मरियम हमेशा साथ रहती थी, तैयार रहती थी अपने भाइयों के साथ। तो यहाँ पर कहा जाता है, छोटा सा कहानी में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि पारिवारिक मामलों में पत्नियों की एक बहुत बड़ी विशेष होती है। विश्वास करते हैं आप लोग? दो ही पुरुष हैं यहाँ पर, आप लोग विश्वास करते हैं कि नहीं? पारिवारिक मामलों में पत्नियों की एक बड़ी और विशेष भूमिका है कि नहीं? परिवार को पूरी देखभाल करते हैं, हम लोग काम करने जाते हैं, नौकरी करते हैं, फिर भी घर का काम पूरा संभालते हैं, सब करना पड़ता है। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है? हम लोग को जैसा सिपोरा का शांत भाव, उसका शांत मतलब उसका चरित्र जो था शांत भाव की थी और डरपोक भी थी, लेकिन परिवार में जो भी हुआ सबको वो लेकर चली। इबरी नहीं थी, लेकिन इबरी की तरह रह के अपने परिवार में एक साथ सबको लेकर चली। तो ऐसे ही हम लोगों को भी पत्नी जो हैं सबको लेकर चले। और एक बहुत विशेष बात लिखा है कि वे परिवार के विभिन्न तत्वों को, तत्व क्या होता है, चीज़ें होती है परिवार के जो भी तत्व, जोड़े रखने के लिए सीमेंट है बोलते हैं यहाँ। हम लोग सीमेंट सबको जानते क्या है सीमेंट, सीमेंट के बिना घर बनेगा नहीं, बनेगा कुछ भी नहीं बनेगा। अगर हम सिर्फ बालू और बजरी मिलाते हैं तो मिलेगा ही नहीं कभी। तो यहाँ पर कहा गया है कि वे परिवार के विभिन्न तत्वों को जोड़े रखने के लिए सीमेंट है। कितना सुंदर बात लिखा है, पहली बार मैं तो सुनी, कभी सुनी नहीं थी। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं सिपोरा एक कुशी औरत, ये दूसरी जात की थी, जैसा हमारे यहाँ भी दूसरी जात के जात पात का बात करते हैं, लेकिन जब हम विश्वासी हैं, यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, तो हमें जात पात नहीं दिखना है। हमको एक विश्वासी होने के नाते हमें विश्वास के साथ रहना है, जहाँ कहीं भी जाना है हमें परमेश्वर के साथ उनका जो भी काम है उसको करते रहना है, और जहाँ भी हम लोग जाते हैं परमेश्वर का काम को आगे बढ़ाना चाहिए। मरियम भी वो नहीं पसंद करती थी, लेकिन अपना सारा भावना जो था सिपोरा के बारे में उसने कभी अपने मन के हृदय में रखी, लेकिन कभी नहीं बोली, क्योंकि बोलती तो घर में अशांति हो जाता। तो हम लोग यहाँ पर सिपोरा के बारे में सुनते हैं और यही जानते हैं कि हम लोग जितने जो हैं विवाहित औरत हैं, आइए हम लोग अपने परिवार को भी ऐसे जुड़े रखें जैसा सीमेंट बालू और दूसरे चीज़ों से सीमेंट के घर बनती है। तो हम भी सब कोई मिलकर परिवार को ऐसा बनाए रखें, शांति बनाए रखें, ताकि हम इन अंतिम दिनों में विश्वास में मजबूत रहें और हमेशा प्रार्थना में लगे रहें, परिवार को साथ में लेकर चलें, ताकि हम अंत तक धीरज धरे रहें और जब यीशु मसीह आए तो हम उनके साथ जाने के लिए योग्य होने सके। ईश्वर इस वचन पर आशीष दे। इस सभा को अंत करने के लिए हम लोग गाएंगे 36 नंबर का गाना, 36। आओ जो थकित क्लेशित हो, विश्राम है यीशु पास, खोलना हो तो खड़े हो जाएंगे। आओ जो थकित क्लेशित हो, विश्राम है यीशु पास, उसी के हाथ को पकड़ लो और करो मुक्ति दाता वाबू।